हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग रुद्रप्रयाग जिले की एक शानदार घाटी की यात्रा करेंगे, जिसका नाम है श्री कार्तिकेय वैली जी, जो कि चारों तरफ जंगलों, पहाड़ों, झरनों और गांव से घिरी हुई है। इस यात्रा का रोमांच आप इस वीडियो के माध्यम से लगा सकते हैं कि लगातार हमारी जो गाड़ी थी वो भीरी चंद्रपुरी के कट से होती हुई स्टेट हाईवे नंबर 56 से होती हुई आगे रुद्रप्रयाग तक आई, और इस घाटी की कुल लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है। यह यात्रा तीन घाटियों की सुंदरता को समेटे हुए है। पहली श्री केदार वैली, जो कि नदियों की घाटी को भी कहा जाता है, जिस घाटी में मंदाकिनी नदी, अलकनंदा नदी और भी कई सारी छोटी नदियाँ भी मिलती हैं। और दूसरी है क्यूंजा घाटी, जिसे झरनों की घाटी भी कहते हैं, और साथ ही वहाँ पर कई प्रकार के जंगल भी हैं। तो और अंतिम जो घाटी है उसका नाम है श्री कार्तिकेय घाटी, जहाँ पर भगवान श्री कार्तिकेय जी का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि पहाड़ की काफ़ी ऊँचाई पर बसा हुआ है, और वहाँ से आप हिमालय की चोटियों के दर्शन के साथ साथ मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं, जो कि कनकचौरी गांव चमोली जिले के अंतर्गत आता है। श्री कार्तिकेय घाटी में कई मंदिर हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे कि श्री कार्तिकेय देव जी का मंदिर जो कि कनकचौरी गांव में है, श्री तुंगेश्वर नाथ महादेव मंदिर जो कि चोपता गांव से नीचे होते हुए पैदल ट्रैकिंग रूट से होते हुए मलाऊ और फलासी गांव के बीच में शिव जी को समर्पित एक महान मंदिर है, और तीसरा है दुर्गाधार माता का मंदिर, जो कि चोपता से 5 किलोमीटर आगे दुर्गाधार गांव में बना हुआ है। इस यात्रा की शुरुआत भीरी चंद्रपुरी कट से होते हुए कंडारा, दौला, शिवपुरी, क्यूंजा, कर्णशिली और भनज, सेनागरसरी, बलसुंदी, केड़ामल्ला, केड़ातल्ला, चंद्रनगर, मोहनखाल, गिमतोली, कुंडादानकोट, बजौन, लोडला, चोपता, दुर्गाधार, सनबैंड और रुद्रप्रयाग तक चमोली जिले के चोपता गांव में होती है। और हम लोग यहाँ से गिमतोली, चोपता होते हुए रुद्रप्रयाग जाएंगे वापस, और यह घाटी का नज़ारा जो आप लोग देख पा रहे होंगे, और घाटी काफ़ी शानदार और मस्त दिखाई दे रही है। अभी हम लोग पीछे से होते हुए आ रहे हैं, इस पहाड़ के पीछे से होते हुए, और यह घाटी का व्यू जो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर यह कनकचौरी गांव के पास कार्तिकेय देव जी का भी मंदिर है। यह यात्रा उत्तराखंड के दो जिलों को आपस में जोड़ती है, जिनके नाम क्रमशः रुद्रप्रयाग और चमोली हैं। रुद्रप्रयाग के अगस्तमुनि ब्लॉक से इस यात्रा की शुरुआत होती है, और चमोली जिले के कुछ गांवों को पार करते हुए, सुनसान रास्तों और जंगलों को पार करते हुए रुद्रप्रयाग पर जाकर यह यात्रा ख़त्म होती है। हमने रूट मैप के द्वारा इस यात्रा को दिखाने की कोशिश की है। इस यात्रा को शुरू करने से पहले प्रत्येक टूरिस्ट को रुद्रप्रयाग जिले के PWD डिपार्टमेंट से यहाँ का रूट मैप और परमिशन लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि यह क्षेत्र काफ़ी खतरनाक और जंगली जानवरों से घिरा हुआ है, तो कभी भी यहाँ पर जंगली जानवर आ सकते हैं, और बिना जानकारी के कारण आपकी जान को खतरा हो सकता है। इस यात्रा में जंगल का सबसे घना और सुनसान रास्ता भनज गांव से शुरू होकर मोहनखाल तक
और मोहन खाल से शुरू होकर घिमतोली होते हुए चोपता तक काफ़ी जंगल का घना रास्ता है, जहाँ पर जंगली जानवरों के आने का कभी भी कोई समय निश्चित नहीं है। आप यात्रा करते समय जंगल में सावधानी पूर्वक बिना हॉर्न बजाए आगे यात्रा कर सकते हैं। हमने इस यात्रा को पनज गांव से शुरू करते हुए घिमतोली चोपता तक ही कवर किया है और चोपता के कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक भगवान तुंगेश्वरनाथ महादेव जी के मंदिर को हमने नई वीडियो में वहां तक की ट्रैकिंग का रास्ता भी दिखाया है। और अब हमारी टीम घिमतोली गांव में पहुंच चुकी है। जैसा कि आप सभी वीडियो में देख पा रहे हैं, घाटी का शानदार नज़ारा, और यह है घिमतोली गांव जो कि इस घाटी का अंतिम गांव है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो सभी को शेयर ज़रूर करें।